आप यूज ना करें सब्जी के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको यूज नहीं करना है। ये चीजें बहुत ही हार्मफुल है आपके और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। मैं हूँ प्रेरणा और आज एक आपको बहुत ही जरूरी बात बताने आई हूँ कि प्रेगनेंसी में कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको खाने से आपको दिक्कत हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि आप अब तक इन बातों से परिचित ना हो, आपको बिल्कुल नहीं मालूम हो, तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को अच्छे से समझें और अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में खान पान में विशेष सावधानी रखनी पड़ती है ताकि आपके स्वास्थ्य पर या गर्भ में पल रहे शिशु के विकास पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़े। लेकिन सब्जियों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिनमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो गर्भ में पल रहे शिशु के डेवलपमेंट पर नेगेटिव असर डाल सकती हैं, तो उनको जान लीजिए ताकि आप उनसे प्रेगनेंसी के दौरान दूर रहें। कम खाएं, अगर नहीं ठीक लगता तो बिल्कुल ना खाएं। सबसे पहली चीज है ब्रिंजल यानी कि बैंगन। प्रेगनेंसी में बैंगन का उपयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि बैंगन प्रकृति में थोड़ा सा भारी होता है। इससे गैस भी हो सकती है, पेट में भारीपन भी हो सकता है। कई बार अगर बैंगन को ज्यादा क्वांटिटी में खा लिया जाए, अगर आपकी फेवरेट डिश है, फेवरेट सब्जी है और आपने इसको बहुत पसंद आने पर ज्यादा खा लिया, तो यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन या पेट में दर्द भी करा सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में बैंगन आप खा सकते हैं, बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन बहुत कम खाएं ताकि इसके साइड इफेक्ट से आप बचे रहें। दूसरी चीज है अंकुरित आलू। जिन आलू में कहते हैं ना आंख निकल आना, जिसमें अंकुर आ जाता है, उन आलू में टॉक्सिन होता है जो कि आपके बच्चे की डेवलपमेंट को रोक सकता है, फीटल डेवलपमेंट को हार्म करता है वो टॉक्सिन। और ये टॉक्सिन होते हैं ग्लाइको एल्कोलॉइड्स। कई बार अगर आप महिलाएं ऐसा आलू खा लेती हैं, अंकुरित आलू खा लेती हैं, बीज उगा हुआ आलू खा लेती हैं, तो उनको नौजिया डायरिया हो सकता है। लेकिन प्रेगनेंसी में आपको इन सभी चीज़ों से बचना है, अपने को सुरक्षित रखना है। इसीलिए अगर घर में आपके पास कोई और भी ऑप्शन ना हो तो भी किसी भी कंडीशन में आप अंकुर लगा हुआ आलू अपने लिए ना पकाएं ना खाएं। तीसरी चीज है पपीते की सब्जी। कच्चे पपीते की सब्जी कई जगह बनाई जाती है, तो प्रेग्नेंट महिला के लिए ये बहुत ही नुकसान दे सकता है क्योंकि कच्चे पपीते में लेटेक्स होता है और ये काफी गर्म होता है। ये गर्भ को खराब कर सकता है, फीटल ग्रोथ को बिगाड़ सकता है। साथ ही इसके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं कच्चे पपीते में जो कि यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शंस पैदा कर सकते हैं और आपके मिसकैरेज का कारण बन सकते हैं। तो कच्चे पपीते को किसी भी फॉर्म में आप यूज ना करें, सब्जी के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको यूज नहीं करना है। ये चीजें बहुत ही हार्मफुल है आपके और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के लिए। इसके अलावा तीसरी खास बात जो सब्जियां हैं, वो एक ग्रुप है सब्जियों का, वो है सैलड। सलाद जो हम खाने में प्रेगनेंसी में कहते हैं कि जरूर लेना चाहिए ताकि आप कॉन्स्टिपेशन से बच सके, क्योंकि प्रेगनेंसी में काफी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन अगर आप सलाद खा रही हैं और काफी देर का कटा हुआ है, खुला है, अच्छे से धुला है या नहीं आप सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे मत खाइए। सलाद खाने में आपको सावधानी इतनी रखनी है कि आपको अच्छे से धोना है, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, फ्रेश कटा हुआ होना चाहिए और कंटामिनेटेड किसी भी तरीके से ना हो, क्योंकि ये एक सोर्स हो सकता है बैक्टीरिया का और वो बैक्टीरिया आपके पेट को जाके इन्फेक्ट कर देगा और आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगी कि आपने कौन सी ऐसी पोल्यूटेड चीज खाई थी जिसकी वजह से आपका पेट खराब हो गया या आपका डाइजेशन बिगड़ गया। आप सलाद को हेल्दी समझ के खाएंगे लेकिन आप उसके माध्यम से बैक्टीरिया इंजेस्ट कर लेंगी। तो जब भी आप कच्ची चीजें खाती हैं, चाहे आप मूली खाएं, खीरा खाएं, सलाद में जो भी चीजें आप यूज कर रही हैं वो बहुत अच्छे से धुले होने चाहिए। तो अगर इन चार चीजों का, चार सब्जियों का आप प्रेगनेंसी में ध्यान रखती हैं तो आपको खान पान में कोई समस्या नहीं आएगी, खान पान से संबंधित आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।